हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे दो ऐसे रियलिटी शो के बारे में जो पॉपुलर तो है बट क्यों पॉपुलर है ये पता नहीं। फर्स्ट शो इज रोडीज। आजकल गली का हर एक बच्चा रोडीज बनना चाहता है। लाखों लोग हर साल में इसके लिए इंटरव्यू देते हैं। जब उनसे पूछा जाता है क्या बनना है, रोडीज बनना है। क्या बनना है? रोडीज बनना है। मन चूक जाते हैं बट वो सब तो ठीक है, बट मुझे लगता है इन्हें अब गैंग लीडर के लिए भी ऑडिशन लेने चाहिए। कब तक ये अपने पुराने क्राइटेरिया को लेकर चलेंगे कि एक फेमस पुराना एक्स रोडीज कंटेस्टेंट को लीडर बना दो जो कि प्रिंस भाई है और जिसकी वजह से वो चल रहा है। दूसरा क्राइटेरिया है कि एक फ्लॉप हीरोइन हो तो नेहा। क्या नेहा, मैं तो हिट हीरोइन हूँ, ठीक है, ये हिट हीरोइन है, छोड़ो इसको, रिया को ले लो। तीसरा, शो में एक ओवर एक्टिंग करने वाला चाहिए, वरना शो में ड्रामे कौन करेगा। तो बेसिकली रोडीज शो अपने स्टंट एंड टास्क के लिए जाना जाता था, बट समय के साथ रोडीज अब छोटा बिग बॉस बन के रह गया है। और या तो यूं कहें कि यहाँ पे बिग बॉस में जाने की ट्रेनिंग दी जाती। तो हाँ, अब बिग बॉस की इतनी बात हो ही रही है तो अपने दूसरे शो बिग बॉस के बारे में बात कर लेते हैं। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस अपने नए सीजन के साथ बता चुके हैं। बिग बॉस शो का उद्देश्य तो क्या आपको लड़ना नहीं आता? कोई गम नहीं, हम सिखा देंगे। तो क्या आपको छोटी बातों का बतंगड़ बनाना नहीं आता? कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी हम सिखा देंगे। तो क्या आप अब भी सिंगल और लाइफ में अकेले हो? तो सालों बिग बॉस भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस के चिड़ियाघर में कुछ नए परिंदे आए हैं जिनकी जानकारी मैं दूंगा बट अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।